उससे भी ज्यादा डेंजरस ये है कि ही इज एन इंडियन। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हार्स केजड। हाँ तो गाइस, मार्टिन द मूवी का जब ऑफिशियल टीजर आया था, इस टीजर ने इंडियन सिनेमा में और यूट्यूब पर ऐसे रिकॉर्ड बना दिए थे कि चारों ओर भागा दौड़ी मच गई थी। लेकिन जो डायरेक्टर एपी अर्जुन सर है, मार्टिन द मूवी की टीम है ना, घंटा उन्हें फर्क नहीं पड़ता एक्शन प्रिंस ध्रुव सरजा सर से, और उनकी खुद की मूवी से घंटा उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि कब इसे अनाउंसमेंट करना है, कब रिलीज करना। और गाइस, आप लोगों को पता आज कितना बड़ा ओकेशन है और मूवी की टीम ने इतना बिगेस्ट पोस्टर शेयर किया है। अगर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा ना, तो आप यही बोलने वाले हैं कि भाई सब ये डायरेक्टर है, ये डायरेक्टर के नाम पर धब्बा है। अब गाइस, मूवी की टीम ने किस टाइप का पोस्टर शेयर किया, वो भी आज इतने बड़े फेस्टिवल पे, मैं सब बता रहा हूँ। लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम इसी बैक टू बैक अपडेट लाते रहते किसके लिए, आप ही के लिए। तो चलिए जान लेते गाइस, कन्नड़ इंडस्ट्री में जो एक्शन प्रिंस ध्रुव सरजा सर है ना, भाई सब कोई छोटा मोटा एक्टर नहीं है, भाई सब बहुत दबदबा है उनका कन्नड़ इंडस्ट्री में। और लेकिन डायरेक्टर एपी अर्जुन सर को भाई सब कोई कुछ फर्क नहीं पड़ता कि भाई सब किसकी मूवी है, किस एक्टर है उसमें, जबकि ये मेरी मूवी है, मुझे तो इसे रिप्रेजेंट करना चाहिए। ना ना ना, वो नहीं करना है। और मूवी की टीम को टालम टोली इतनी पसंद है कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकता हूँ। और गाइस, रिसेंटली जितने भी कन्नड़ इंडस्ट्री के फैन थे, ध्रुव सरजा सर के फैन थे, रिसेंटली उन्होंने तो बैन करने का प्लान कर लिया था कि हम एपी अर्जुन सर को बैन कर देंगे, ना मूवी रिलीज होने देंगे और ना इनकी कोई मूवी आने देंगे। हाँ तो गाइस, पहले अपन बात कर लेते हैं पोस्टर के बारे में, फिर मैं स्पेशल थैंक्स बोलने वाला हूँ डायरेक्टर एपी अर्जुन सर के लिए। काफी बड़ा सरप्राइज है गाइस, तो सुन के जाइएगा। तो गाइस, पहले बात कर लेते हैं ट्वीट के बारे में। तो भाई साहब, उन्होंने ट्वीट करते हुए जो कहा है, मैं एक बार चेक कर लूं। हाँ, ट्वीट करते हुए आपको स्क्रीन पर देख रहा होगा, स्क्रीन पर देखें यार। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है, हैप्पी उगाड़ी, बाकी थोड़ा कन्नड़ा में लिखा हुआ है, मार्टिन द मूवी कन्नड़ा, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा जैसी इंग्लिश लैंग्वेज में अपने को इंडियन सिनेमा में देखने को मिलेगी। मार्टिन इंडियाज बिगेस्ट एक्शन सागा 2024, मतलब कि 2024 चल रहा है। और मूवी की टीम ने पोस्टर शेयर किया, पोस्टर देख ले आप, देखे। हाँ तो कैसे, मूवी की टीम ने इतना खतरनाक पोस्टर शेयर किया, इतना बड़ा, चलो कम से कम ये तो क्लियर कर दिया कि 2024 में मूवी की टीम को इसे रिलीज करना है। और ये सब देखने के बाद डायरेक्टर एपी अर्जुन सर को बस मैं इतना ही बोलना चाहूंगा, अरे बहुत बहुत धन्यवाद डायरेक्टर एपी अर्जुन सर, आपने इतने बड़े ओकेशन पर, इतने बड़े त्योहार पर, गुड़ी पाड़वा उगाड़ी जैसे मौके पर इतनी बड़ी मूवी का इतना छोटा सा अपडेट शेयर किया है। और मानू मैं कि आप तो बर्बाद है, लेकिन एक्शन प्रिंस ध्रुव सरजा सर को तो बर्बाद मत करो, आपको कोई नहीं जानता लेकिन एक्शन प्रिंस ध्रुव सरजा सर को सब जानते हैं। तो प्लीज मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, इतनी बड़ी मूवी का इतना बड़ा कचरा मत करो, आप बर्बाद हो लेकिन इन्हें बर्बाद मत करो। ऑफिशियल ट्रेलर शेयर करो, इसकी ऑफिशियल रिलीजिंग डेट शेयर करो, इतने बड़े मौके पर आपने इतना ऐसा पोस्टर शेयर किया जिसमें कि ना एक्शन प्रिंस ध्रुव सरजा दिख रहा है, ना कोई भी नहीं दिख रहा है, बस वो एक कलर दिख रहा है। तो थोड़ी सी शर्म करो, बाकी फैंस लोग तो आपको बर्बाद कर ही देंगे, लेकिन इन्हें बर्बाद करने पर मजबूर ना करो यार। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जल्द से जल्द ऑफिशियल ट्रेलर का अनाउंसमेंट करें, रिलीजिंग डेट का अनाउंसमेंट करें। इतने बड़े मौके पर आप एक पोस्टर शेयर कर सकते थे, उसकी रिलीजिंग डेट शेयर कर सकते थे, ऑफिशियल ट्रेलर का अनाउंसमेंट कर सकते थे, लेकिन मुझे पता है आपको कोई मतलब नहीं है आपकी खुद की मूवी से। लेकिन यार डायरेक्टर जी, आप थोड़ा समझे, एक्शन प्रिंस ध्रुव सरजा सर के बारे में सोचे, उनकी मूवी के बारे में सोचे। माना कि आप बर्बाद हो जाओगे, लेकिन इन्हें बर्बाद मत करो। बाकी क्या है क्या नहीं है, काफी जल्दी उम्मीद कर सकते हैं। बाकी मूवी की टीम को तो कोई मतलब है नहीं, वो 2025 में भी रिलीज कर सकते हैं, 27 में भी कर दे, 2050 में भी कर सकते हैं। वैसे गाइज, आप लोग हमें बताएं, कन्नड़ इंडस्ट्री के फैन बताएं, एक्शन प्रिंस ध्रुव सरजा सर के फैन बताएं कि मार्टिन द मूवी के लिए आप कितने ज्यादा एक्साइटेड और आपके क्या ओपिनियन है डायरेक्टर एपी अर्जुन सर के बारे में, जो कि अनप्रिपेयर्ड है उनकी अपकमिंग मूवी के लिए। एक्शन प्रिंस ध्रुव सरजा सर के बारे में क्या लगता है, ऑफिशियल अनाउंसमेंट के बारे में क्या लगता है, इस पोस्टर के बारे में क्या लगता है, और क्या लगता है कब तक रिलीज करने वाले हैं, अपने ओपिनियन भाई कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिएगा, आशानी का तो शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे कि आपका भाई इंस्पायर्ड और मोटिवेट होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।